कॉर्नर में सिंपल 200 गज का हाउस डिजाइन, आपको प्रॉपर सनलाइट आ रही है और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर की एलिवेशन के साथ हमने देख रहे हैं। और ये देखिए सब, ये कुछ कलर वॉल्स का, कुछ कलर बैक एंड वॉल का, कुछ कलर और वॉर्डरोब का कुछ और कलर। कॉर्नर का यही फायदा बॉस, आपको विंडोज की कमी नहीं रहती। गोल्डन टिंज का वर्क किया है, लाइट ब्राउन गोल्डन टिंज की पट्टी है, उसको बहुत ही सुंदर इनहांस करिए। आपके एरियाज डिफाइंड है जहाँ घर के अंदर ही 3 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी, क्योंकि कॉर्नर का ये फायदा है। तो आज हम एक देखेंगे 200 गज के अंदर एक सिंपल और नॉर्मल कॉर्नर का हाउस। देखिए सनलाइट आपके घर में पहले ही आ रही है, तो प्रीमियम और सिंपल लुक में हमने घर बनाया है 200 गज के अंदर कॉर्नर। और एक ऐसा घर जो आपके मन को भा जाएगा कि सिंपल लुकिंग में है। हम इसकी घर के अंदर से इसकी फ्रंट एलिवेशन की तरफ आ रहे हैं, जो कि सिंपल और मॉडर्न लुक में बनाई गई है। और इसमें हमने बाउंड्री वॉल ना बनाते हुए कॉर्नर के घर को एक ऐसा फिनिश दिया जो कि ओवरऑल लुक में इन्हांसमेंट दे रही है। देखिए इसके हमें कॉर्नर की एलिवेशन में हमने इसके अंदर लाइट ग्रे टाइलिंग के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन किया और डार्क ब्राउन का कॉम्बिनेशन किया, और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट की अंदर जो इसकी एटिक का डिज़ाइनिंग है ना, जो ऊपर टॉप में माउंटी का डिज़ाइनिंग है, वो ओवरऑल लुक को इन्हांस कर रहा है। और कॉर्नर लुक का ये फ़ायदा है कि आपको प्रॉपर सनलाइट आ रही है और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर अमेजिंग डिज़ाइनिंग के साथ एज इट इज़ मिलेगा प्राइम लोकेशन ऑफ मोहाली के अंदर। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन देखिए आपने कितनी अमेजिंग है। अब इसके कॉर्नर का एरियाज देखेंगे जहाँ पे हमने, देखिए प्रीमियम डिज़ाइनिंग में देखिए यहाँ पे लाइटिंग का वर्क है, लाइट ग्रे के अंदर वाइट के अंदर बहुत ही सुंदर लाइटिंग का वर्क, जो कि ओवरऑल लुक को बहुत ही सुंदर इन्हांस कर रहा है। और कॉर्नर में देखिए कितनी सुंदर एलिवेशन की डिज़ाइनिंग है, इसमें हमने वाइट कलर का वर्क किया। देखिए ये वाइट कलर के अंदर जो नीचे का डी उसमें लाइटिंग का वर्क, और यहाँ पर भी देखिए कितने सुंदर डिज़ाइनिंग है हमारे लाइटर्स की, और यहाँ पे रस्टिक पेंट का काम। तो कॉर्नर की एलिवेशन भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो उस तरीके की एलिवेशन के साथ हमने देख रहे हैं। और ये देखिए सारी सारी हमने ना बाउंड्री वॉल नहीं बनाई बॉस, तो बाउंड्री वॉल का यही फायदा कि आपके घर के अंदर एनर्जी फ्लो, वास्तु फ्रेंडली वो वही चीज़ें हैं जो हम इन्वायरमेंट के पास रहे। अगर जो मुझसे लोग पूछते हैं सर क्या है वास्तु, वास्तु है कि आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहें, इन्वायरमेंट के साथ भैया जो हवा पानी एयर है तो उसके साथ आप रहेंगे, तो अच्छी एनर्जी का फ्लो की डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ पे हमने देखिए मेन गेट है जो कि स्लाइडिंग गेट के साथ बनाया है, क्योंकि पूरे के पूरे घर को आपको खुल जाएगा। देखिए घर के अंदर ही 3 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, क्योंकि कॉर्नर का ये फ़ायदा है। और यहाँ पे आपका बड़ा सा द्वार, और यहाँ पे घर के अंदर ही 2 SUV गाड़ीज एक इधर पार्क हो जाएगी। और प्रीमियम लुक में हमने यहाँ पे देखिए कितने सुंदर टाइलिंग का वर्क है, जो कि ग्लॉसी टाइलिंग ग्रे कलर के अंदर अमेजिंग फिनिश। यहाँ पर हमारे हमने ब्लैक ग्रेनाइट का अमेजिंग वर्क है। देखिए हैवी चीज़ें हैं, हैवी स्ट्रक्चर है, जो कि आपको आप फ्यूचर में इसको सिलेंडर भी ना पटक भी दें और कुछ भी मार भी दें वो टूटेगा नहीं बॉस। और यहाँ पे हमने नीचे काटी है जहाँ पे बना रहे पॉइंटर लाइट्स का वर्क है, सिंपल और एलिगेंट डिजाइनिंग में हमारा फ्रंट एरियाज हैं। और यहाँ पे देखिए हमने पॉइंटर लाइट्स का वर्क, जो हमने बाहर भी की थी ना वो पॉइंटर लाइट्स भैया, छोटी छोटी चीज़ों से आपका घर ब्यूटीफुल और अमेजिंग लुक में। फ्रेंड्स मैं हूँ अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो क्रेडेंशियल, सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू डिलीवर। फ्रंट के साथ ये था हमारा फ्रंट एलिवेशन। देखिए अब इस घर के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे देखिए आपकी सनलाइट अंदर आ रही है बॉस, आ रही है ना अंदर, दिख रही है आप। अभी हम तकरीबन 11-12 बजे शूट कर रहे हैं, तो आपको दिख रही है, तो आप वास्तु फ्रेंडली हो गए। कॉर्नर का यही फायदा बॉस, आपको विंडोज़ की कमी नहीं रहती एक तो, दूसरी बात आप इन्वायरमेंट के पास रहते हैं, जितना इन्वायरमेंट के पास आप रहेंगे उतना आपको बीमारियाँ कम लगेंगी। आप मतलब बच्चों को, जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसको बोला जाता है कि आप उसको ना सूरज की सनलाइट में रखिए, तो वही है बॉस कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहना है उस तरीके से डिज़ाइनिंग। मैं अब यहाँ से आपको नक्शा समझा दूँ बॉस, हम यहाँ से एंटर किए थे, यहाँ पे आपकी मॉड्यूलर किचन है, 2 बेडरूम्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे हमारा मंदिर, और ये है हमारा ड्राइंग रूम एरिया, ब्यूटीफुल ड्राइंग रूम एरिया। इसमें हमने सिंपल डिज़ाइनिंग करके, देखिए बैक एंड वॉल पे हमने इसमें वॉलपेपर का डिज़ाइन किया है, जो कि अच्छा इन्हांस कर रहा है गोल्डन कलर की टिंज लाइट ब्राउन कलर के साथ। उसके साथ यहाँ पे ब्यूटीफुल नीचीज काटी है हमने सीलिंग के अंदर, जो कि एलिगेंट डिज़ाइनिंग के साथ ब्यूटीफुल लुक दे रही है। तो अमेजिंग डिज़ाइनिंग और अमेजिंग फिनिश के साथ ये आप अपनी सीलिंग डिज़ाइन देख रहे हैं लुक में। ओवरऑल फिनिश देखिए, एक आपका ना मन में होता है कि बॉस मुझे किस कलर का घर बनाना है, आपको पहले ही डिसाइड करना है मुझे किस कलर का घर बनाना है। देखिए हमने इसमें ना जो नीचे हमने टाइलिंग का वर्क किया है, जो कि 2x4 की टाइलिंग आती है, उसके अंदर हमने गोल्डन टिंज का वर्क किया है, लाइट ब्राउन गोल्डन टिंज, उसी को हमने इन्हांस किया है इसके साथ अपने वॉल
वॉलपेपर के साथ, लग रहा है ना आपको वॉलपेपर के साथ भी उसी तरीके से इन्हांसमेंट की गई है, तो वो ब्यूटीफुल फिनिश के साथ। और यहाँ पर आपका एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है। मुझे लोग बहुत बोलते हैं सर कॉमन वॉशरूम नहीं बनाते, तो ये हमने कॉमन वॉशरूम भी बनाया है, जहाँ पर हमने लाइट ब्राउन टिंज के साथ ग्रे कलर की एरियाज़ को डिफाइन किया, तो ब्यूटीफुल टिंज के साथ ये आपको एज इट इज़ मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर हमने एक बड़ी सी डिफाइनिंग करके हमारे लॉन्च एरिया में LED TV यूनिट की, देखिए कितना ब्यूटीफुल LED TV यूनिट स्पेसेस बनाया है। और यहाँ पे आपकी मॉड्यूलर किचन है, देखिए कितनी सुंदर अमेजिंग नॉर्मल लुक में मॉड्यूलर किचन, जो कि आपके घर को इन्हांसमेंट दे रही है, एल शेप की मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन के एरियाज में इसको डिफाइनिंग करके यहाँ पे आपकी एंटी नॉइज वाली सिंक का काम है, और यहाँ पे आपके डबल डोर के लिए फ्रिज के लिए स्पेसेस है, और एक मॉड्यूलर किचन स्पेशियस और सिंपल एलिगेंट डिजाइनिंग में आप के एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा नीचीज काटी है। उसके साथ ही चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। देखिए स्पेशियस फर्स्ट बेडरूम आपके लिए वेट कर रहा है, लेकिन मैं इंटरनल डोर्स की बात भी कर लूँ। देखिए इसमें हमने सिंपल ये हमारा फ्लश डोर है, जिसके अंदर माइका का काम किया है, नीचीज काटी है छोटी छोटी, और उसमें गोल्डन कलर का वर्क, और ये जो टी पट्टी है उसको बहुत ही सुंदर इन्हांस करिए, गोल्डन कलर की टी पट्टी, तो आपको भी एक नॉर्मल लुक में बढ़िया लुक डिजाइनिंग करनी है तो इस तरीके से डिजाइनिंग कर सकती हैं। वही कॉर्नर की बात बोलूँगा, देखिए आपको यहां पर सनलाइट का नजारा नजर आ रहा है, और ये आपकी साइड से मतलब सनलाइट घर के अंदर आ रही है, तो ये विंडोज का ये फायदा रहता है कॉर्नर के घर का, तो आपको विंडोज की कमी नहीं नजर आएगी। उसके साथ यहां पे आपके बहुत ही सुंदर हमने लाइटिंग वॉर्डरोब्स बनाए हैं, जो कि हमने ब्यूटीफुल फिनिश के साथ हैं, और यहाँ पर भी हमने इसको एक छोटा सा शटर लगाया हुआ है, और सिंपल नीचिंग डिज़ाइन के साथ ये सिंपल एलिगेंट वर्क है। और मैं वही बात बोल रहा था कि हमने फर्स्ट इंप्रेशन में इसको सिंपल लुक में डिफाइनिंग कर रखी थी, कि गोल्डन कलर की टिंज के अंदर गोल्डन कलर की हमारी यहाँ पे LED TV यूनिट का माइका भी आ गया है, और गोल्डन कलर का आपका वॉलपेपर भी आ गया है, तो वही है कि आपको फिनिश डिफाइन करनी पड़ती है पहले ही, कि आपको किस तरीके की कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो वो ही कॉम्बिनेशन को आपको पूरे के पूरे घर में पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपका ये कुछ कलर, वॉल्स का कुछ कलर, बैक एंड वॉल का कुछ कलर, और वार्डरोब का कुछ और कलर, अ बिग नो टू ऑल दिस थिंग्स। है ना, आपको नीच डिफाइन करनी है, उसको कलर डिफाइन करना है, उसके बाद चलेंगे इसके फर्स्ट वॉशरूम की तरफ। स्पेशियस वॉशरूम बनाया, और देखिए कितना सुंदर हमने इसको टाइलिंग का काम किया, जिसमें हमने टेपर टाइलिंग को काट पीट के उसकी ऐसी ओवरऑल लुक को इन्हांस किया, जो कि मज़ेदार। देखिए वॉशरूम तो सेम ही होते हैं, लेकिन उसको नया लुक कैसे प्रदान करेंगे, तो कि आपको टाइलिंग के अंदर खेलना पड़ेगा, तो टाइलिंग के अंदर भी हमने लाइट गोल्डन कलर की टाइलिंग का वर्क, और जो आपकी सिंपल सीलिंग डिज़ाइन है उस तरीके की डिज़ाइनिंग के साथ ये घर आपको एज इट इज़ मिलेगा मोहाली के अंदर। तो खरीदना भी नीचे दिखा मोबाइल नंबर पे एक कॉल कीजिए। इसके बैक कोर्टयार्ड के एरिया की तरफ देखिए, स्पेशियस बैक कोर्टयार्ड आपके लिए वेट कर रहा है। यहाँ पे हमने ग्रे कलर की टाइलिंग का वर्क किया गया, सो डैट कि आपको फ्यूचर में मेंटेनेंस भी गए, और ये ओवरऑल टॉप तक है कि आपको सारी की सारी वेंटिलेटेड स्पेसिस का नज़ारा नजर आए। तो अभी हम देख रहे हैं 200 गज का इतनी सिंपल और मॉडर्न लुक में घर, तो आप भी खरीदना चाहते हैं नीचे के मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद चलेंगे इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। देखिए स्पेशियस सेकंड बेडरूम 14x15 का लंबा चौड़ा कमरा, और इसमें हमने ग्रे कलर की टिंज का वर्क किया है, और पूरे के पूरे घर में ग्रे कलर का टिंज, लेकिन वो है कि वो मैच नहीं कर रहा बॉस। देखिए यहाँ पे लाइट ब्राउन और यहाँ पे ग्रे कलर का टिंज, वो मैच नहीं करेगा, तो उसमें डिफरेंट लुक आएगा। तो इसमें ये देखिए, इसमें हमने ग्रे कलर की लाइट ग्रे कलर का एरियाज डिफाइन कर रखे हैं, यहाँ पे भी लाइट कलर के एरियाज में हमने इसको LED TV ने बनाया, और उसी के साथ हमारे सॉन्ग कॉम्बिनेशन में हमने लाइट ग्रे कलर की टाइलिंग का वर्क किया वाइट कलर की एरियाज को। तो एक ये 200 गज का हमने इसका सेकंड बेडरूम देखा। तो अब इसकी फर्स्ट फ्लोर की हम इसकी फ्रंट एलिवेशन की तरफ चलेंगे। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे नक्शा था ना, सिमिलर ही फर्स्ट फ्लोर पे नक्शा है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा, लेकिन आपको कैसा लग रहा है घर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अभी तक। तो हमने इसमें स्पेशियस डिजाइनिंग के साथ यहाँ पर आपके सारे के सारे एरियाज डिफाइंड है, जहाँ पे हमने इसके अंदर स्टील रेलिंग का अमेजिंग वर्क कर रखा है, और फ्रंट एलिवेशन में जो आपको चीज़ें दिख रही थी ना, नीचीज वगैरह कटी हुई थी, वो आपको यहाँ से नज़र आएंगी प्रॉपर। तो इसीलिए मैं आपको इसको यहाँ पे नीचीज की तरफ लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना ब्यूटीफुल नीचीज का वर्क है, और यहाँ पे हमारा ग्रे टाइलिंग का वर्क है, जो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा ग्लॉसी टाइलिंग है, लेकिन ब्यूटीफुल लुक में। तो आज हमने देखा एक 200 गज के अंदर सिंपल नॉर्मल लुक में फ्रंट एलिवेशन के साथ डिज़ाइन, और एक कॉर्नर का हाउस जिसमें आपकी सनलाइट प्रॉपर डिज़ाइनिंग के अंदर आती है, और तो प्रीमियम फिनिश में। अगर जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है, विजिट करना है, नीचे दिए मोबाइल नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हम इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।